दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि रावण ने मरते मरते सभी औरतों के बारे में ऐसी तीन प्रकार की गुप्त बातें बताई जो शायद आपको सुनने के बाद लगे कि भाई यह बातें एकदम कड़वी है। हाँ दोस्तों, यह जो बातें हैं वह थोड़ी सी कड़वी है पर एकदम सच है। तो दोस्तों अभी आप मुझको बोलोगे कि भाई तू किस रावण के बारे में बात कर रहा है। दोस्तों मैं उस रावण के बारे में बात कर रहा हूँ जिस रावण का वध, जिस रावण का मृत्यु श्री राम के हाथों से हुआ था, उस रावण की बात कर रहा हूं जो रामायण में था। तो उस रावण ने मरते मरते सभी औरतों के बारे में ऐसी तीन प्रकार की बातें बताई जो जानने के बाद आपको शायद धक्का लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले प्रकार की जो बात है जो रावण ने मरते मरते बताई वो दोस्तों क्या है कि अगर कोई भी पुरुष किसी भी औरत को अपनी कोई भी गोपनीय बात बताता है, यानी कि अपना कोई भी सीक्रेट बताता है और उसको ऐसा बताता है कि यह बात एकदम सीक्रेट है, प्लीज़ इस बात को किसी भी व्यक्ति के सामने मत बताना, तब भी दोस्तों वो औरत किसी ना किसी के तो सामने या फिर उसके सहेली के सामने या फिर उसके माँ बाप के सामने किसी ना किसी व्यक्ति के सामने वो बात उगल देती है। क्योंकि रावण ऐसा कहता है कि औरतों के अंदर कोई भी गोपनीय बात ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाती, वो किसी ना किसी व्यक्ति को तो बता ही देती है, तो ध्यान रहना। और दोस्तों दूसरे प्रकार की जो बात है वो दोस्तों कौन सी है कि रावण ऐसा कहता है कि औरतें थोड़ी सी मतलबी होती है। जी हाँ दोस्तों रावण ने मरते मरते ऐसा कहा कि अगर किसी भी औरत ने ठान लिया कि मुझे यह उद्देश्य को हासिल करना है या फिर मुझे यह चीज़ चाहिए, तो वह चीज़ पाने के लिए या फिर अपना उद्देश्य हासिल करने के लिए वह किसी भी प्रकार का मार्ग का उपयोग कर सकती है। वह साम दाम दंड भेद इन चारों भी मार्ग का मतलब उनका यूज़ कर सकती है। तो औरतों से हमेशा सावधान रहना चाहिए क्योंकि उन्होंने अगर ठान लिया कि मुझे इस उद्देश्य को हासिल करना है तो वह थोड़ी सी मतलबी भी बन जाती है। और दोस्तों तीसरे प्रकार की जो बात है जो रावण ने मरते मरते बताई और दोस्तों क्या है कि औरत अपने बात से जल्दी पलट भी सकती है। हाँ दोस्तों, औरतें झूठ बोलने में एकदम माहिर होती है। दोस्तों मैं सभी औरतों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, मुझे माफ़ कर दो, और यह जो है वो रावण ने बताई है। तो रावण ऐसा कहता है कि औरतों के अंदर झूठ बोलने की आदत एकदम मतलब इतनी होती है कि औरत कभी भी अपने बात से पलट सकती है। तो आप किसी भी औरत के ऊपर पूरा का पूरा विश्वास बिल्कुल भी ना रखें, ऐसी रावण ने आपको एडवाइस दी है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको ऐसे ही धमाकेदार वीडियो देखने के लिए मिलेगी।